फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉन्साई आर्ट बाय अजीज कुरैशी। फ्रेंड्स, आज हम हिबिस्कस प्लांट यानी गुड़हल प्लांट का रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग गुड़हल प्लांट की यूँ की जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बॉन्ड हो जाता है, इसकी जड़ें बहुत जल्दी पूरे गमले में फैल जाती हैं और पानी के निकलने के रास्ता बंद कर देती हैं और गमले में पानी भरने लगता है और बहुत जल्दी इस प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। हम सोचते हैं प्लांट की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही हैं। दोस्तों, ये प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं पानी से। देखिए, इसमें कितनी जड़ें आ गई हैं, इसमें बहुत सारी जड़ें हैं। ये आधी बाहर निकल आई हैं, आधी तो पूरे गमले में अंदर भरी पड़ी हुई है और इतनी ज़बरदस्त उसको बाउंड कर लिया है, रोक लिया है, मिट्टी को बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पानी ऊपर भरने लगा था और ये ऊपर की जड़ें थोड़ी काली काली से पड़ने लगी थी, इसको मुझे रूट बाउंड रिपोर्टिंग करना पड़ा। ये देखिए किस तरीके से नीचे तली में ये जड़ें पूरे गमले की डिजाइन बना चुकी हैं। ये देखिए पूरे गमले की डिजाइन बन चुकी है जड़ों से और पानी निकलने का रास्ता लगभग बंद सा हो गया था और मेरा प्लांट ख़राब भी होने लगा था, इसकी पत्तियाँ पीले पड़ने लगी थी, पत्तियाँ छोटी भी हो गई थी। देखिए जड़ें। दोस्तों, इसके लिए मैंने रिपोर्टिंग करने के लिए पहले मैंने पेड़ को निकाला और उसकी जड़ों को छांटा और उसके बाद मैंने इसकी जो टहनियाँ थी उनको भी काटा हुआ है। देख सकते हैं आप, बड़े शार्प कटर से मैंने इनको काटा हुआ है। ये देखिए, मैंने ये चारों टहनियों को काट दिया, बीच की जो दो टहनी ये कटी हुई दिख रही इनको भी मैंने अलग कर दिया है। काफ़ी इसको छाट दिया है मैंने रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसकी ज़्यादातर टहनियों को काट देते हैं जिससे दोबारा पौधा जल्दी रिकवर हो जाए। और मैंने उसको दूसरे गमले में लगा दिया है। यहाँ से मैं पहले इसको अलग करना चाह रहा था मैं इस प्लांट को, लेकिन फिर मैंने किया नहीं है, अभी इसी में लगा रहने दिया है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने। और ये देखिए, मैंने इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है और उसकी जो टहनियाँ काटी थी, डगाल काटी थी, उसकी मैंने कलम बना ली हैं ढेर सारी, लगभग 20-25 कलमें बन गई हैं और इनको इस प्लास्टिक के मग में पानी भर के रख दिया है मैंने। ये देखिए, सभी किसी भी टहनी को मैंने फेंका नहीं है गुड़हल के प्लांट की, क्योंकि ये बहुत जल्दी नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनको पानी में रख दें या इनको मिट्टी में लगा दें, बहुत जल्दी इनका प्लांट बन जाता है दूसरा। तो हाल फिलहाल मैंने इनको अभी प्लास्टिक के मग में डाल दिया है पानी में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी बाहर निकाल के कि मैंने इसकी कितनी कलम बना ली हैं, लगभग 25 कलम बन चुकी हैं इसकी। मेरे 25 प्लांट नए तैयार हो जाएंगे। रेड कलर का प्लांट है मेरा गुड़हल का, बहुत शानदार फूल खिलता है इसमें। ये देखिए, सभी कलमों को मैंने, ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इनको यहाँ रख रहा हूँ गिनने के लिए। और जब इनमें से जड़ें निकलेंगी तब हम आपको दूसरा वीडियो इसका दिखाएंगे। अभी मैं इनको सबको मैं पानी के प्लास्टिक के मग में रख दूंगा। कुछ कलम मैं मिट्टी में भी लगा दूंगा, कुछ को पानी के मग में रखूंगा। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी का मग भरा हुआ हो उसमें ये कलम को इस तरीके से रख लेंगे। और दोस्तों, मैं इसका 7 दिन के बाद इस प्लांट का अपडेट बताऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में। ये देखिए, ये मेरा 7 दिन का अपडेट, 7 दिन बाद का अपडेट है, इस प्लांट में फूल खिल गया है, मतलब ये पौधा सरवाइव कर गया है और आगे चल के ये बहुत अच्छा हिबिस्कस प्लांट बनेगा, गुड़हल का पौधा। ये देखिए,
रेड कलर का फूल है, बहुत प्यारा फूल है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें।